बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुजरा जैद चंदजैब साहब, जो साबिक उम्मीदवार हैं PK 32 के, और आज इनका एक यहाँ पे प्रोग्राम था कल आज़ादी मार्च के हवाले से। 25 मार्च को जब ये इस्लामाबाद रवाना होंगे, उस हवाले से इनकी कारण मीटिंग हुई और इलाके के लोगों को इन्होंने बुलाकर उनके साथ मशावरत की कि किस तरतीब से किस वक्त इन्होंने निकलना है। अब इनके साथ एक सियासी जो पिछले इलेक्शन में लोग थे नाराज थे, वो एक बहुत बड़ा जनबा इनके साथ शामिल हुआ है। कौन साहब हैं, उन्होंने क्या इनसे देखा और उनकी हिमायत कर दी कि जैद चंदजैब साहब की मुखालफत के बाद हिमायत में इतना बड़ा जनबा, ये बड़ी और ऐसे वक्त में हुआ कि जब ये खुद एक आजमाइश का शिकार थे और मुश्किल वक्त में एक बड़ा इत्तेहाद हुआ है। वाइस चेयरमैन है जी मेहताब साहब बैरकोंड के, हम उनसे जानना चाहेंगे जी। बहुत शुक्रिया, आपने जैद चंदजैब साहब का हिमायत का ऐलान किया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल बात तो ये है कि पार्टियाँ नज़रियात होते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी जो है तरक्की के लिए PK 32 की तरक्की के लिए हमने जो है ना इस दफ़ा इंशाल्लाह इत्तेहाद किया है। सारी अपनी पार्टियाँ भी छोड़ी हैं, अपने नज़रिए भी छोड़ें और जैद भाई का साथ इंशाल्लाह हम देंगे। इसलिए इंशाल्लाह ये हमारा जनबा जब तक जैद भाई जिंदा है इसके साथ इंशाल्लाह मौत तक कायम रहे, इंशाल्लाह बात पक्की होगी जो भी होगी। हमारे साबिक चेयरमैन साहब है अब्दुल मालिक, बहुत अच्छे आदमी है, बड़े अखलाकी आदमी है, धीमे लहजे में बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जी ये भी जैद साहब की हिमायत में आ गए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं पिछली दफा भी जैद भाई नाला सा थे, इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदा तो जैद भाई से साथ दे सो, और मैं आखिर मर जाओगे कोई ऐसी गल कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह जब तक जैद भाई जिंदा है, अनु लाला जिंदा है, इन्हें नाल मरा ता याद जिंदगी भर जनबर है सी, और इंशाल्लाह मैंने जो कुर्बानी दें रहा इंशाल्लाह। सजाद खान जी खाकी साहब आसंदा जी, जैद चंदजैब खान जदों तो खलते इन इलेक्शन में इन्हें नाल, और जब तक जिंदगी है ना नाल हो सानवर लाल नाल तो इस नाल दुरंगी छोड़ जग रंग हो जा सर सर मोम हो जा या संग हो जा। जावेद बैरकुंड, तुम्हें नून लीग का सबका 35-40 साल तो नून लीग का साथ दे रहा था, इस वक्त जायद भाई की कोई कारकर्दगी कुछ कारनामे देख करके ते नून लीग छोड़ करके जायद भाई का साथ देना का वादा किया, और इंशाल्लाह आंदा भी देसा इंशाल्लाह। मैं नून लीग का बैरकुंड नायब सदर हाँ, इंशाल्लाह ताला मैं भी जायद चंदजैब की टीम में शामिल हो गया और मैं पार्टी छोड़ देती है नून लीग, तो इंशाल्लाह जहाँ भी ये बोलेंगे जैसा कहेंगे इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। ये आज़ादी मार्च नहीं, इसके अलावा भी जिस बात की आर्डर करें इंशाल्लाह हम लोग साथ हैं। हम पहला बिगड़ा के जैद चंदजैब ने पिछले साल बिगड़ा के मैं इंशाल्लाह 2 महीना लाया है, और इंशाल्लाह इस दफा जरा के आगे तो हम चलता रही रात 1 बजे 2 बजे इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगा जैद भाई, फिर इंशाल्लाह अपना कारना चलेंगे और इंशाल्लाह सारा काल का चलेंगे इसका गाँव का जैद भाई के इंशाल्लाह। और अल्लाह के हुक्म नाल करबला दे फाते हैं असी सैयद, तो इंशाल्लाह ताला हक सच का साथ आखिरी दम तक दे सा, अल्लाह का हुक्म होया 10 तो बाजू बन सा, और यूथ वाले नाल जितनी भी असिया टीमें हैं तहरीक इनकलाब दी है, सादात फाउंडेशन है या और जितनी भी हैं, इंशाल्लाह ताला भरपूर जैद भाई जी हिमायत ऐलान कर दें जी। हम कोहिस्तान बरादरी ने जी जैद साहब का हमने हिमायत की है, और इंशाल्लाह हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे ईमान के साथ, इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ, और जैद चंदजैब के साथ और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ। रहीम में 10 साल नून लीग नार रहे हैं, तो ये पिछले 4-5 साल त्रे 4 महीने तो बाद जैद भाई नालो की थे, जैद भाई दे अखलाक और इन दे कम देख के तो ऐसी कोस्तान बलादरी दे जितनी भी यहाँ से ना नाल जैद चंदजैब साहब नाल एहतियात कर छोड़े, अज तो बाद राती दिहाड़ी जिस वेली भी काल देसन इंशाल्लाह सी हाजिर हम माली जानी तमन्ना। बात का इजहार कर रहे थे, कब्र तक चट्टान की तरह मजबूत का एहतियात ऐलान तो कर दिया और सब मेरे कैमरे में फिट हो गए, कल ऐसा ना हो कोई इधर उधर हो और फिर मैं कहूँ कि वो अपने वादे से मुकर गए जी। मैं अपने तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का जो मेरी पार्टी के अंदर अभी शामिल हुए हैं, जो पहले के शामिल हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने इस जितने भी है जनबे को साथ लेके चलूं, और अल्लाह के हुक्म से पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि हम सब एक इत्तेहाद के साथ चलें और एक यूनिटी के साथ चलें, और अपने दूसरे इन सब भाइयों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ चलें, और इंशाल्लाह जहां तक मुझसे हो सका मैं इंशाल्लाह इज्तमाही काम में, रफाई काम में, जितने भी तरक्याती काम है इन सब भाइयों को अपने साथ लेके चलूंगा, क्योंकि पिछले कुछ काम जो हो चुके हैं ये भाई मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आइंदा जितने भी तरक्याती काम होंगे
इंशाल्लाह ये जितने मेरे भाई मेरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है इनका हर इस काम में इंशाल्लाह इनका हिस्सा भी होगा और इनका वहां पे नाम लिखा। और इसी खातर में जायद को कहन के आया और टाइम काट दे मान डालो अक्सर नाराज भी होंगे लेकिन मैं उसकी खैरख्वाही वास्ते उसको गल आखता मैं उससे बदफाई जो कि ना आखता कदे भी ओड़े खिलाफ ऐसी गल नो सी जेड़ी गल कर सी इंशाल्लाह मैं ना लो सा लेकिन असा को ड्यू रिस्पेक्ट दे दी जुले असंदा ये लोगों का कम हुसैन जे प्रासन आने है एक आवाज आने हर जगह आने असा फर्ज है कि असं उन्होंने हर खिदमत जो कि करा और उन्होंने जो हक है वह कहन के आवा सारे भरावों का दोबारा शुक्रिया अदा करदा खास तौर पर मीडिया का मीर अब्दुल गुलजार साहब का जो भी मैं फोन करदा वह आने असने भरावान आने असी सारी कौम इतना बराबर है असा किसी कौम का स्पेशली मड़े जोगे हर कौम जो मड़े जोगे इज्जतमंद हो कोई भी सारे असं भरा जमींदार बैठने वाले हैं सारे असी सारे से लस्सी तो मकई की रोटी खा के तो बड़े हुए हैं कोई दो क्लासा पढ़ के आगे निकलता है चलो उसको शोर आंदे अपने इलाके जोगे इंशाल्लाह शोर कहन के आ जाए इलाके जोगे आवाज़ भी असं को है जान भी है और डरते भी किसी को ना। अस्सलाम वालेकुम।